अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने चैनल आईटी एक्सपर्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है एरे। एरे को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, फिर प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे। एंड एरे कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स और डेटा आइटम डेट आर स्टोर्ड टुगेदर इन कॉन्टिजियस मेमोरी स्पेस। होते हैं एक एलिमेंट सेम काइंड्स के एलिमेंट स्टोर होते हैं जो कि हमारी मेमोरी स्पेस में एलोकेटेड होते हैं। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल फॉर ईच वैल्यूज। एरे में हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यू एक सिंगल वेरिएबल में। जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं अपनी वेरिएबल टाइप डिक्लेयर करते हैं। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एरे, अपने एरे का नेम डिक्लेयर करते हैं। वो फॉलो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने एरे को लिखते हैं। एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट शुड स्टोर, हम स्पेसिफाई करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हमारे एरे में स्टोर हैं। स्ट्रिंग कार, स्ट्रिंग से मेरा एरे का वेरिएबल पता चल रहा है कि कौन सा डेटा स्टोर करना है। और कार्स जो है मेरा एरे का नेम है और इसमें फोर एलिमेंट्स स्टोर हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे इज द साइज ऑफ द एरे, ये जो एरे का साइज है ये मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर हैं। एरे डिक्लेयर हम इस तरह करते हैं एरे डिक्लेरेशन, फॉर एग्जांपल इंट एक्स 6, ये मेरा एरे डिक्लेयर हो गया। एरे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं एरे इनिशियलाइजेशन इंट एक्स, एरे का साइज मैंने 6 रख दिया और इसमें मैंने 6 वैल्यू स्टोर कर दी हैं 19 10 8 17 9 15। मैं आपको एरे प्रोग्राम की हेल्प से करा के दिखाता हूँ C++ लैंग्वेज में। एरे इन C++, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लाइब्रेरीज लिखूंगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस STD। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम से मैं अपना कोई भी प्रोग्राम इनपुट आउटपुट करवा सकता हूँ। मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ इंट मेन। मैं अपनी एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट, एरे का नाम में रख रहा हूँ नंबर्स और इसका मैं साइज दे रहा हूँ 5। ये मेरे एरे डिक्लेयर हो गया। अब मैं आउटपुट करवा रहा हूँ सी आउट इंटर 5 नंबर। एंडल हम इसलिए यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करने के लिए। अब मैं स्टोर कराऊंगा नंबर्स फ्रॉम द यूजर, स्टोर इनपुट फ्रॉम यूजर। अभी तो लूप लगेगा फॉर इंट i=0, 0 से चलेगा। कंडीशन में दे देता हूँ i < or = 5। 5 मेरा एरे का साइज है और इंक्रीमेंट होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप। इनपुट करवा दूं यूजर से सी इन नंबर्स जो मैंने डिक्लेयर किया था अपना नेम एरे का। आउटपुट करवा दूं सी आउट द नंबर्स आर। एंडल अगेन मैंने यूज किया मैं प्रिंट कराने के लिए, एक और लूप लगाऊंगा प्रिंट एरे। अगेन अब लूप लगेगा फॉर इंट n = 0। कंडीशन चेक होगी n < 5 हो जाएगा और इंक्रीमेंट हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। सी आउट नंबर्स, अब रिटर्न 0 करूंगा मैं। अपना प्रोग्राम रन करता हूँ, मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। इंटर 5 नंबर
फर्स्ट में लिख रहा हूँ 7, 4, 3, 11, 22। द नंबर्स आर 7, 4, 3, 11, 22। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी लाइब्रेरी लिखी है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन फंक्शन मैंने डिक्लेयर कर दिया है, फिर मैंने अपनी एरे डिक्लेयर कर दी है नंबर्स के नेम से, और मैंने इसका साइज रख दिया 5। मैंने आउटपुट को आया इंटर 5 नंबर, लूप लगाया, मैंने यूजर से इनपुट करवाया नंबर्स 5, फिर मैंने अगेन आउटपुट करवाया द नंबर्स आर, फिर प्रिंट्स एरे एलिमेंट्स, अगेन लूप लगेगा जिससे ये प्रिंट्स हो जाएंगे एरे, सी आउट नंबर्स, रिटर्न 0 हो गया। होपफुली आपको मेरा एरे का टॉपिक समझ आया होगा। अगर मैं आपको एरे का टॉपिक समझ आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट लर्निंग।